एक मिनी फार्म हाउस ले लिया और पुरानी पुरानी चीजें निकल रही हैं सीरियसली। द मेन रीजन व्हाई आई गॉट दिस हाउस वाज हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज फ्रॉम द टाइटल यू नो व्हाट हैज हैपेंड और बैकग्राउंड में भी आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं अपने गोल्डन हाउस पे नहीं हूँ। एंड यस गाइज आई हैव सोल्ड माई गोल्डन हाउस। रुको रुको गुस्सा मत करो आप लोग, मुझे पता है कॉमेंट सेक्शन में लिखोगे भैया आपने इतनी मेहनत से घर बनाया था, इतना प्यारा घर बनाया था। आई नो गाइज इट वॉज एन अमेजिंग हाउस एंड बहुत हार्डवर्क गया था और बहुत पैसा खर्च हुआ था उस घर को बनाने में। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा वाला वीडियो तो मैं इधर कहीं ऊपर लिंक कर दूंगा आई बटन में, वो वीडियो जरूर देखना, उसमें मेरे गोल्डन हाउस का टूर था। पर अब सबका सवाल ये आएगा कि भैया आपने ये घर इतनी मेहनत से अगर बनाया था और इतना पैसा भी खर्च किया था तो ये घर आपने बेचा क्यों? सो गाइज हर कोई लाइफ में चाहता है कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े, उसका घर और बड़ा होए और उसकी गाड़ी और बड़ी हो। और उसी तरह मैं भी एक कंटेंट इंसान नहीं हूं, आई ऑलवेज वांट द बेस्ट। और जो गोल्डन हाउस था उसको ओन करते हुए मेरे को 2-2.5 साल हो गए थे एंड उससे पहले आई थिंक 1 साल उसको बनाने में लगा था। सो नाउ लेट्स कम टू द रीजन कि वो घर बेचा क्यों। सो गाइज आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस कि आपके भाई ने एक छोटा सा प्लॉट ले लिया है, मतलब कि एक मिनी फार्म हाउस ले लिया। अभी लोकेशन वगैरह कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उस नए घर के बारे में कुछ भी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अभी लैंड खरीदा है, बस एक मिनी फार्म हाउस टाइप में पूरा अपना घर बनाएंगे, मतलब इट इज गोना बी माई ड्रीम हाउस। सो गाइज नए प्लॉट के लिए अपने भाई को कंग्रेचुलेशन कर दो और अपनी टीम टकियार को भी कंग्रेचुलेशन भाई, इट इज ह्यूज गाइज सीरियसली, एक पूरा प्रॉपर मिनी फार्म हाउस है। तो कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से कंग्रेचुलेशन लिख दो, आई एम रियली हैप्पी एंड मतलब कि ड्रीम कम ट्रू है। मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, उसमें आगे गार्डन हो, स्विमिंग पूल हो, मेरी सारी गाड़ियां बाइक्स वगैरह सब कुछ अंदर ही खड़ी हो। एंड फाइनली अब लैंड तो ले लिया है, प्लॉट ले चुके हैं, अब धीरे धीरे अपने उस ड्रीम हाउस को बनाना है। और ऐसे ऐसे डिजाइन है ना उस घर को लेके मेरे पास कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और उसमें एक स्पेसिफिक गराज होगा, तब तक हम जोन सी भी सुपर कार या जो भी अपग्रेड कर लेंगे अपनी आर8 से वो लिटरली बेडरूम में खड़ी होगी। मतलब काफी वाइल्ड अभी इमेजिनेशन चल रही है मेरी, काफी वाइल्ड ड्रीम्स है अभी मेरे। तो उस पर अपग्रेड करने के लिए आई हैव बॉट द लैंड नाउ, बट एटलीस्ट 2-2.5 साल लगेंगे उस घर को बनने के लिए, तब तक भाई कहीं रहने के लिए जगह तो चाहिए थी। सो वी हैव गॉट दिस हाउस, प्रीटी डिसेंट हाउस। तो अभी ये हमने लिया है रेंट पे एंड मजबूरी में हमें रेंट पे रहना पड़ेगा गाइज इस पे 2 साल एटलीस्ट, जब तक वो पूरी उधर कोठी और वो सब नहीं बनता, एक स्विमिंग पूल वगैरह, मतलब काफी क्रेजी प्लान्स है, अभी बोल के खराब नहीं करूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, 2-2.5 साल में जब भी वो घर बन जाएगा तब उसका ऑब्वियसली होम टूर करेंगे। जो एक्चुअली हमारा गोल्डन हाउस था, ये घर उसका लिटरली डबल है, इट इज मच बिगर देन दैट हाउस, इट इज अ 4 BHK। द रीजन आई हैव टेकन दिस हाउस, इसका एक ही रीजन है, मतलब मैं नया कोई बिल्डर फ्लोर वगैरह भी रेंट पे ले सकता था, बजट वॉज नॉट एन इशू एज सच, बट मैंने ये वाला घर क्यों लिया, क्योंकि इसके साथ गाइज मुझे मिली है लिटरली 3 पार्किंग्स। मतलब आज के टाइम पे, मतलब जिन भी भाइयों को प्रॉपर्टी की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उन्हें पता होगा कि 3 पार्किंग्स रेंट के घर पे मिलना, रेंट के क्या, अगर आप घर खरीदते भी हो ना एक फ्लोर तो भी आपको 3 पार्किंग्स नहीं मिलती, एंड यहाँ पर मेरे को 3 पार्किंग्स मिल गई। सो दैट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड यू नो आई लव माई कार्स। मैं बहुत ज़्यादा तेज से बोल रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, आई एम सुपर एक्साइटेड। और इतने दिनों से व्लॉग नहीं किया था ना, तो आप लोगों को इतना मिस कर रहा था कि बस जल्दी जल्दी मन कर रहा है आप लोगों को सब बता दूं। तो इधर 3 पार्किंग मिली हैं, हमारी एंडेवर, हमारी R8 और हमारी सारी बाइक्स इसमें एक साथ लग जानी है। दे लुक सो ब्यूटीफुल, अभी आपको दिखाऊंगा नीचे गराज में लेके जाके भी, और अभी थोड़ा बहुत घर के भी बारे में दिखाता हूँ। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर टूर, क्योंकि अभी हमारा घर ऑब्वियसली आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्लैंड सा है, अभी इसको अश्विन सिंह टकियार का टच नहीं मिला है। जब भी इसको टच मिलेगा तब एक प्रॉपर हाउस टूर करेंगे। और आप लोग ये मत सोचना कि शिफ्टिंग के टाइम में व्लॉगिंग भूल गया था, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करी व्लॉग करने के लिए, पर यार शिफ्टिंग आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो जाती है, और इसलिए हम कोई वीडियो नहीं ला पाए 1 हफ्ते से। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया आप लोगों को, अगर आप लोगों ने भी किया तो कॉमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। शिफ्टिंग के दौरान जो हमने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करा है तो वो सारी क्लिप्स में अभी हमारे एडिटर साहब को बोलूंगा इधर प्ले कर दें, आप लोग इन्जॉय करो। और उसके बाद आप लोगों को इस घर का छोटा सा स्नीक पिक दूंगा, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर टूर गाइज, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया अभी मैंने अपना टच नहीं दिया इस घर को, इट इज़ प्लेन एंड सिंपल, अभी जस्ट हम मूव इन ही हुए, इट इज़ आवर फर्स्ट डे, मतलब कि आज फर्स्ट रात होगी इधर सोने की। तो अभी इधर इतना कुछ नहीं किया, ACs वगैरह लगाए हैं, बेसिक चीज़ें करी हैं, अभी ब्लाइंड्स वगैरह ये सब लगाई हैं, और अभी आप लोगों को दिखाऊंगा आगे का घर। पर उससे पहले आप लोग देखो लास्ट हमारी गोल्डन हाउस की क्लिप्स। फाइनली वी आर सेइंग गुड बाय टू आर गोल्डन हाउस, जो कि अब गोल्डन रहा नहीं है क्योंकि सारा फर्नीचर वगैरह हट गया है, एंड एज यू ऑल कैन सी सारी पैकिंग वगैरह चल रही है, और हम ऐसे सारे गत्ते के बॉक्सेस में सारा, जैसे किचन का सामान कुछ बॉक्सेस में ऊपर किचन लिख देंगे, इस रूम का सामान कुछ बॉक्सेस में उस पर इस रूम का लिख देंगे, ऐसे करके, एंड जो जो फर्नीचर वहाँ लेके जाना है वो फर्नीचर जाएगा। और पुरानी पुरानी चीज़ें निकल रही हैं सीरियसली, ये हमारी TT का रैप बचा हुआ अंदर, वो पीछे R8 का रैप पड़ा है, हेलमेट्स वगैरह सब पड़ा है, ये सब जाएगा नए घर पे। इधर भी
सारा बाइक्स का सामान, R8 का कवर वगैरह सब कुछ, ये सब भी जाएगा वहाँ पर। तो दैट इज़ इट गाइज, बस फाइनल गुड बाय है, क्योंकि इस घर की रजिस्ट्री हम कल करा देंगे, एंड जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमें चाबी हैंड ओवर करनी पड़ेगी। तो बस आज का दिन है गाइज हमारे पास ये सारा सामान लेके जाने के लिए हमारे नए घर पे, और हर्ष भाई आया हुआ है शिफ्टिंग में मदद कराने। और अभी कुछ ऐसा हाल है घर का। सो गाइज ये मेरे बेड का अपर का पार्ट है, अभी काट के लेके जा रहे हैं, एंड एज यू कैन सी सारा सामान जा चुका है। ये कभी मेरा बेडरूम हुआ करता था और अभी पूरा खाली है। और ये तुम्हारा भाई शिफ्टिंग कराते कराते हालत देख लो कैसी हो गई है। ये होता था हमारा टीवी वाला रूम, तो ओहो ये पेंटिंग, तो जिन्हें हमने घर बेचा है उन्हें हमने एसीज वगैरह तो साथ ही दे दिए हैं, और सारी फिक्स्चर्स लाइटिंग वगैरह सब साथ दे दी है। पर ये टीवी मैं ऑब्वियसली उतारूंगा, तो हम ये अभी टीवी लेके जाएंगे उधर से, PS5 वगैरह सब लेके जाएंगे उधर। एंड गाइस जो नया वाला घर है ना, उसमें अभी इतना अमेजिंग सेटअप बनाऊंगा ना, अभी मैं एक नई चीज़ शुरू करने वाला हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग इट फ्यूचर ट्रेडिंग, तो उसका पूरा एक ट्रेडिंग सेटअप बनाऊंगा, इट विल बी अमेजिंग। एंड साथ में उसके एडिटिंग सेटअप भी होगा, मतलब 2-in-1 सेटअप होगा, मोस्टली ट्रेडिंग फोकस्ड होगा वो, और उसी पे ही हम वीडियोज वगैरह भी एडिट कर पाएंगे। सो गाइस ये थे मेरे लास्ट मोमेंट्स मेरे गोल्डन हाउस पे। थोड़ा सा तो देखो बुरा लग रहा है, बहुत मेहनत से और खून पसीना लिटरली बहाकर वो घर बनाया था, तो थोड़ा सा अभी बुरा लग रहा है। बट एनीवे आप लोगों को ये वाला घर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट एन अमेजिंग प्रोडक्ट। दैट प्रोडक्ट इज मामाअर्थ चारकोल नरिशिंग बेथिंग सोप। गाइस एज यू ऑल नो, आजकल इतनी गर्मी, पोल्यूशन और डस्ट है बाहर, जिससे कि हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई और डल हो जाती है, और ये डर्ट और पोल्यूशन सारा हमारी स्किन के अंदर स्टक हो जाता है। तो टू रिमूव ऑल द डस्ट एंड पोल्यूशन फ्रॉम माय स्किन, आई यूज मामाअर्थ चारकोल नरिशिंग बेथिंग सोप, व्हिच इज द बेस्ट फॉर दिस जॉब। एंड गाइस दिस सोप हैज एक्टिवेटेड चारकोल, मिंट ऑयल एंड ग्लिसरीन, एंड एज यू ऑल नो एक्टिवेटेड चारकोल क्लेंजेस योर स्किन, अनक्लॉग्स पोर्स, एंड मिंट ऑयल हैज एंटी septic and antibacterial properties, and it also has a cooling effect which soothes irritation and inflammation, and glycerin helps the skin retain moisture, increase hydration and relieves dryness, and this soap literally works as a dirt magnet, and you won't find any silicones, parabens, mineral oils or dyes in this charcoal bathing soap. And guys, apart from Mamaearth's charcoal nourishing bathing soap, you can also use natural nourishing bathing soap, and this natural nourishing bathing soap box has 5 different variants, and this includes vitamin C which speeds up the skin's natural regeneration process. This also has turmeric which protects the skin from sun damage, and it also has neem extract which is known for its antifungal and antibacterial properties, and last but not the least it has coffee and protects the skin from free radical damage. And guys sabse important baat ye hai ki all Mamaearth products are free from toxins and are made up of natural ingredients, and avoiding these toxins is not only crucial for your skin but also for the environment, as it can cause a lot of harm to our earth in both production and disposal stages. And guys aap ye sare amazing products order kar sakte hain www.mamaearth.in se, and if you use my coupon code ashwin2021 to aapko milega 20% discount, and you can also order these products on Amazon, Flipkart and Nykaa. The links are in the description below. And guys ek bahut hi amazing cheez hai, whenever you buy from Mamaearth they link your order to their website to a tree they plant, and by 2025 Mamaearth is aiming to plant 1 million trees. So chalo aap logo ko dikhata hu hamara naya ghar. So ye wala room hai, ye maine dedicate kiya apne trading setup banaunga main idhar aur YouTube studio ko. As you can see usse ka ek hi PC laga hua hai abhi idhar editing wala, एंड इधर हम पूरी स्क्रीन्स लगाएंगे, मतलब मैं पूरा अपना प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप बनाऊंगा, इधर ग्राफिटी वगैरह कुछ अलग अलग ना चीजें, इधर ग्राफिटी वगैरह, और मतलब सारी वॉल्स हम इसको बहुत ही अच्छा से एक स्टूडियो टाइप में डिजाइन करेंगे। अभी बहुत प्लेन एंड सिंपल है ये, आई नो, एंड ये सेटअप तो आप देख ही रहोगे, पहचान गए होगे, ये सोफा हमारे गोल्डन हाउस से है, ये टेबल भी वहीं से है, एंड एसीज मैंने घर के साथ ही दिए थे, तो अभी इस घर के लिए मुझे नए एसी खरीदने पड़े। तो आई हैव बॉट दिस वाइट वेस्टिंग हाउस के एसीज, ये अभी हमने 3 एसीज खरीदे हैं, एंड इधर एक और भी टेबल्स वगैरह जुड़ेंगे, अभी प्रॉपर सेटअप बनेगा इधर। अब ऐसा मत सोचना ऑफिस भेज दे, नहीं ऑफिस है हमारे, सारे ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह सब कुछ ऑफिस में ही होंगी। दिस इज जस्ट माय होम ट्रेडिंग सेटअप, ताकि घर से भी जो काम करना होता है सुबह ऑफिस जाने से पहले सारा डेट नाइट ट्रेड्स सारे इधर ही हो जाएं। अब इससे अगर बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि थोड़ा घर खाली खाली सा है, क्योंकि सब कुछ आया नहीं है। दिस इज द किचन, और आज जनक ने पहली बार अपने हाथ से कुछ खाने को बनाया है, पहली बार जनक के हाथ का खाना खाऊंगा, सुपर एक्साइटेड, और थोड़ा सा भाई डर भी लग रहा है, पता नहीं कैसा बनाएगा जनक भाई, मार मार मत दियो। So guys, this is the kitchen, and Golden House वाले वीडियो में से आपको याद होगा कि हमारा फ्रिज ये वही आ चुका है यहाँ पे, एंड ये छोटा सा एक मतलब कि एक लाउंज एरिया कह सकते हो, एंड यहाँ पर अभी मैंने एसी नहीं लगाया है, आई पुट 3 एसीज, दैट इज माई रूम, उसमें हमारे ट्रेडिंग रूम में और यूट्यूब स्टूडियो में, और एक मेन ड्रॉइंग रूम में।
सो दिस इज अ स्मॉल लाउंज एरिया, इसमें आप ये सारे फिक्स्चर्स वगैरह देख सकते हो। ये मेरे गोल्डन हाउस की ही सारी चीजें। मंदिर बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मंदिर अभी हमने यहाँ भगवान जी रखे हुए हैं, पर हम इस साइड में एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे, काफी सुंदर सा रेडीमेड मंदिर मिल जाते हैं, वो लेके आएंगे। एंड हमारा सिल्वर प्ले बटन, हमारी अचीवमेंट यूट्यूब की। सो अगर इधर से आए तो ये एक रूम है जिसको भी हमने बना दिया है स्टोर रूम, एज यू कैन सी। एंड ये स्टोर रूम है, नथिंग मच टू सी ओवर हियर, तो इसको कर देते हैं बंद। एंड गाइज, दिस इज द मेन ड्रॉइंग रूम। एंड आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की स्टोरीज पे देख ही रहे होंगे, अभी बहुत ज्यादा आवाज बन रही है, ऑब्वियसली फर्नीचर है नहीं। एंड ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये हमने गोल्डन हाउस से अपना निकाला है। टीवी भी हमारा वहीं से आया है और हमारा साउंड बार वगैरह सब कुछ वहीं से आया है। एंड ये ब्लाइंड्स अभी लगवाई है गाइज, इधर पर्दे वगैरह नहीं थे, सो आई हैव पुट दीस ब्लाइंड्स अभी तक इतना ही काम हुआ है। एंड गाइज, ये मेरे ड्रॉइंग रूम के लिए इतना अमेजिंग सोफा सेट ऑर्डर कराया था, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। एंड आप लोगों को मेरी चॉइस तो पता ही है, इट इज गोना बी लिट सीरियसली, और काफी सारे लोग इधर बैठ सकते हैं। जैसे हमारे पुराने वाले घर में क्या दिक्कत थी गोल्डन हाउस में, कि फर्नीचर जो था उसमें ज्यादा लोग अकोमोडेट नहीं हो सकते थे, बट दिस प्लेस इज सीरियसली ह्यूज, बहुत ही ज्यादा लोग बिठा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया पार्टी कर सकते हैं एंड कॉन्टेंट भी बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस वगैरह। अगर आप लोगों को कुछ चैलेंजेस वगैरह ऐसे टाइप का कॉन्टेंट देखने, जैसे हमारा जोरो जो चैलेंज था ऊपर इधर लगा दो, देखना बहुत ही फनी वीडियो था, तो वैसे कुछ चैलेंजेस वगैरह देखने हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, हम बढ़िया बढ़िया अपने दोस्तों के साथ सारी टीम के साथ चैलेंजेस भी शूट कर लेंगे। और ये मेन हॉल में मिली, इधर ये शाफ्ट है, तो यहाँ विंडो था, तो ये भी ब्लाइंड्स अभी ये लगवाई है, काफ़ी बड़ी ब्लाइंड है। इट इज़ अ वेरी बिग हाउस गाइज, जो हमारा गोल्डन हाउस था उसका लिटरली डबल है ये। एंड दिस इज जनक्स रूम, एंड इसमें भी विंडोज वगैरह नहीं थी, तो इधर भी हमने भी ब्लाइंड्स वगैरह लगाई हैं। उसका बेड और थोड़ा सा लड़कियों वाला है, बट ठीक है, अभी हमारा टेम्पररी घर है तो काम चल जाएगा। यहाँ से बैल्कनी है, जो कि मैं क्या ही दिखाऊँ, बैल्कनी है रेगुलर। सो दिस इज द हाउस गाइज, इट इज वेरी स्पेशियस, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, काफ़ी बड़ा घर है और रियली हैप्पी विद इट। दो साल निकालने हैं उसके लिए, बस मुझे घर में एक चीज़ थोड़ी लगती है कि दरवाजे थोड़े से पुराने हैं। अब ऑब्वियसली रेंटेड हाउस में दरवाजे तो चेंज नहीं कर सकते, एंड दो साल निकाल लें तो दिस इज इट, दिस इज माई रूम गाइज। एंड ये भी हमारे गोल्डन हाउस से ही हम लेके आए हैं, टेबल, ये चेयर, ये टीवी हमारा ऑफिस में था, वी हैव मूव दिस हेयर। एंड ये स्टैंड भी आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो में, इसमें सारे हमारे हेलमेट्स हैं, मेरी कैप्स हैं, मुझे स्नैपबैग्स बहुत पसंद है तो वो है। एंड दिस बेड इज ऑल्सो फ्रॉम दैट हाउस ओनली। सो गाइज, दिस वॉज अ स्मॉल मिनी हाउस टूर, अभी क्योंकि इट इज नॉट रेडी, एक प्रॉपर हाउस टूर करेंगे उत्सव, इसको हम अपना टच देंगे। एंड घर के बारे में थोड़ा बता दूं गाइज, इट इज अ 4 BHK, एंड हर बेडरूम के साथ एक वॉशरूम है, एक लाउंज एरिया है, एक लॉबी है, हॉलवे काफी बड़ा है। एंड द बेस्ट पार्ट, जिसकी वजह से मैं लिटरली बताऊं गाइज, मैंने ये पार्किंग ही रेंट करी है, घर तो बस एक बोनस है, हमारा काम चल जाता थोड़ा और घर छोटा भी होता, बट ये पार्किंग इट इज अमेजिंग। अभी आप लोगों को लेके चलूंगा, दिखाऊंगा। एक रूम जनक का हो गया, एक रूम मेरा हो गया सोने के लिए, एक मेरा ट्रेडिंग वाला रूम हो गया और उसी में उत्सव एडिटिंग भी करेगा। एंड एक रूम हमारे पास एक्स्ट्रा है, किसी भाई ने कभी आना हो तो उसको होस्ट कर लेंगे। और भाई कोई भी इलॉजिकल या फुद्दू बात है मत लिखना कमेंट सेक्शन में कि भैया आपके पास तो इतना पैसा है, एक घर खरीद ही लेते, तो अगर खरीद ही लेता तो भाई पुराने वाला बेचता क्यों। भाई जब भी नया घर बनाते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। एंड ऑब्वियसली अपने बिजनेस में से कभी पैसा नहीं निकालते, आप सरप्लस या कोई एसेट में से ही निकालते हो। सो दिस वाज अ स्मार्ट मूव रेंटिंग आउट अ प्लेस। सो दिस इज जस्ट अ टिप गाइस, बी अ स्मार्ट बिजनेसमैन एंड मैनेज योर एसेट्स प्रॉपरली एंड बिल्ड न्यू एसेट्स, और अपने बिजनेस से कभी पैसा मत निकालो। सो गाइस, लिटरली द मेन रीजन व्हाई आई गॉट दिस हाउस वाज जस्ट लुक एट दिस ओवर हियर, इतनी ह्यूज पार्किंग थी ना, एंड दिस पार्ट इज ऑल आर्ट्स। यहाँ पर 3 गाड़ी की पार्किंग है, एंड सीरियसली जैसा मैंने बोला कि खरीदने पर भी एक फ्लोर, कहीं पर भी 3 गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती, हमें रेंट करने पर मिलगी, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इधर अपनी एंडेवर आ जाती है विच इज़ माई डेली ड्राइवर, इधर अपनी R8, ये वीकेंड कार है सॉर्ट ऑफ, मतलब संडे राइड्स वगैरह के लिए, संडे ड्राइव्स के लिए, अपनी बेबी हमारी R1 इधर, एंड हमारी भूसा, हमारी GS और हमारी GT, अब सब ऐसे लाइन में खड़ी हुई, कितनी सुंदर लग रही है। पहले वाले गोल्डन हाउस में हमारी आगे पीछे खड़ी होती थी, चीज़ें अलग अलग खड़ी होती थी, एंडेवर बाहर थी तो वो थोड़ा अजीब लगता था। सो इधर हमारी सारी गाड़ी और बाइक्स अभी के लिए एक साथ है, अभी इसमें बाकी GLS वगैरह वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है, दिस इज जस्ट माई पर्सनल कलेक्शन। एंड आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ गाइस कि ये वाला गराज बेटर लग रहा है या फिर हमारे जो पुराना वाला गराज था वो बेटर लग रहा है। आई एम श्योर मेरे सभी भाइयों को यही पसंद आया होगा। एंड अभी भी हमारे को एंडेवर का सारा काम कराने का मौका मिला ही नहीं है, एज यू कैन सी पीछे वाला टायर अभी भी स्पेस सेवर लगा हुआ है, तो
जब ये सब शिफ्टिंग वगैरह सारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस बेबी पे ध्यान देंगे, रिम्स एंड ऑल सब कुछ, और शीशा भी हमें आगे का चेंज कराना है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा गाइज बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग एंड माई वर्क. सो दिस इज इट गाइज, टीम द क्यार्स न्यू गैराज. और हमारी साइकिल भी पीछे खड़ी है भाई, जो कि हमने खरीदी तो थी पर एक ही बार चलाई गई. सीरियसली ये साइकिल तो सच अ वेस्ट ऑफ मनी. याद है सब जब लॉकडाउन में सारे साइकिलिंग पे आ गए थे तो हमें भी भूत चढ़ा था और एक बार चलाई 6 किलोमीटर, ऐसी हालत बुरी हुई कि उसके बाद ये खड़ी है बेचारी. हमारे सारे पैडॉक स्टैंड वगैरह उधर एंड हमारी जानेमन हमारी जीटी ये जनक की एक्टिवा. सो गाइज दिस वॉज द मेन रीजन ये घर लेने के लिए. आप लोगों को क्या लगा कि टाइटल में डालकर हम गिव अवे का विनर अनाउंस करना भूल जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. यहाँ हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी, ऊपर चलते हैं और गिव अवे का हमारा विनर अनाउंस करते हैं. सो गाइज फाइनली द मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, द विनर ऑफ आर गिव अवे. एंड गाइज ये विनर मेरी टीम ने चूज करा है, यानी कि उत्सव साहिल रिया इन सब ने, माय यूट्यूब टीम उन्होंने चूज करा है. पर मेरा भी एक डिसीजन था, देखो वैसे तो मैं चाहूंगा बाबा जी मेरे को इतना दे कि मैं आप सबको कुछ ना कुछ गिव अवे करूँ और सबको विनर्स बनाऊँ, पर ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल. अभी विनर सिर्फ एक ही हो सकता है, पर हमने एक कॉन्सोलेशन प्राइज रखा है जो कि 5 लोगों को एक गिफ्ट हैम्पर है वो मिलेगा, वो हमारी टीम खुद आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी. इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ डन लिखने के साथ साथ अपनी ईमेल भी ड्रॉप कर दे करो, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू. एंड द मोमेंट इज फाइनली हियर, द विनर ऑफ आर PS4 प्रो गिव अवे इज आकाश रावत भाई. कांग्रेचुलेशंस टू यू ब्रदर एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस गिव अवे. भाई ने सारे हमारे वीडियोस पे कमेंट्स करा, हर जगह फॉलो करा, सब जगह प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच. काफी सारे DMs भी करे और थोड़ा सा परेशान भी करा, बट anyway, द विनर इज यू भाई एंड वी हैव सेंट एन ईमेल टू यू भाई. प्लीज पढ़ लेना, रिप्लाई कर देना विद योर एड्रेस एंड एवरीथिंग सो दैट वी कैन सेंड द PlayStation टू यू. एंड इफ यू वॉन्ट हम पर्सनली भी आके आपको दे सकते हैं, वी डोंट माइंड एट ऑल. और जो बाकी के 5 लोग हैं जिन्हें वो गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, हमारी टीम आपको खुद कॉन्टैक्ट कर देगी. सो टीम तक यार अपनी ई मेल चेक करते रहो एंड यू माइट बी इन दोज लकी 5 ऑल्सो. एंड इसके साथ हमारा PS4 प्रो का गिव अवे बिल्कुल खत्म होता है अब गाइज. कोई बात नहीं, जल्दी और भी बढ़िया बढ़िया गिव अवेज लाएंगे और भी नए नए प्रोडक्ट्स लाएंगे एंड थोड़ी बहुत ब्रांड से भी बात चल रही है. आप लोगों को बहुत कुछ गिव अवे करना आगे जाके. बस फाइनली आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर शोइंग अस सो मच लव, इतना सपोर्ट हमारे को आपने 2 लाख पहुंचाया, 2 लाख भी पार करा दिया इनफैक्ट. जस्ट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव गाइस, सीरियसली. और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं. यू नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टीम टक्यार, बाय बाय.